हाय, क्यूरियस जेआर कोडिंग गुरु क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें समझा कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चिप क्या होता है। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में यूज़ होता है। और ये कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे कि मल्टीटास्किंग क्या होता है और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो मल्टीटास्किंग में हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप हो, आप पढ़ाई करते हो, साथ साथ आप मोबाइल भी देखते हो, तो आप दो काम एक साथ कर रहे हो, तो ये है मल्टीपल टास्क आप एक साथ कर पा रहे हो, तो मल्टीटास्किंग। और एग्जांपल आप लेते हो कि फॉर एग्जांपल आप डिनर टेबल पे बैठे हो, तो साथ साथ आप टीवी देख रहे हो, साथ साथ आप खाना खा रहे हो, साथ साथ आप बात कर पा रहे हो। तो आप देखोगे कि आप तीन चीज़ एक साथ कर रहे हो, तो ये है मल्टीटास्किंग। मगर आप अगर गौर से देखोगे तो आप एक्चुअली में तीन चीज़ एक साथ नहीं करते हो, आप एक बार में एक ही चीज़ करते हो। आप खाना का बाइट लेते हो, फिर जस्ट आप टीवी पे स्विच करते हो, देन आप बात करते हो। तो ऐसा है हमारा सिस्टम कि हम एक बार में एक काम पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग है, बट एक्चुअली में आप एक बार में एक काम कर रहे हो और उन टास्क के बीच में आप स्विच कर रहे हो। ठीक है, तो कंप्यूटर भी इस तरीके का काम करता है, और इससे हम समझेंगे एक एग्जांपल लेके कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो मल्टीटास्किंग का एग्जांपल हम लेते हैं अपने कंप्यूटर से। तो हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। ठीक है, तो मोबाइल पे आप ये देखोगे कि आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब देख रहे हो, और उसी समय आपको नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो ये कंप्यूटर दो काम एक साथ कर रहा है, YouTube वीडियो भी प्ले कर रहा है, नोटिफिकेशन भी दिखा रहा है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप Instagram यूज़ कर रहे हो और आपने YouTube को पिक्चर इन पिक्चर मोड पे चला रखा है, YouTube और ये Instagram, और साथ साथ में आपको नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो तीन काम एक साथ आपका मोबाइल कर रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग है। ठीक है, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मल्टीटास्किंग है ये कंप्यूटर कैसे कर पाता है, और मल्टी प्रोसेसिंग टर्म इसमें कैसे हेल्प करता है। तो आपको लास्ट क्लास में याद होगा कि हमने बात किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो हम कोई इंस्ट्रक्शन अगर रन करना चाहते हैं तो वो स्टोरेज से रैम में जाता है, और रैम से फिर प्रोसेसर में जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन काम को करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग में हम प्रोसेसर को समझते हैं। ये हम समझ चुके हैं पहले की क्लास में कि ये आपका जो होता है इंस्ट्रक्शंस को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोग्राम को। तो अगर मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं लास्ट की, हम तीन चीज़ कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम यूट्यूब का वीडियो पिक्चर इन पिक्चर में देख रहे हैं, और हमें नोटिफिकेशन भी मिल रहा है। तो ये तीन काम हो गए, इसको हम कहते हैं टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री। ठीक है, अभी कंप्यूटर के पास ये तीन टास्क है करने के लिए एक साथ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो समझते हैं। तो प्रोसेसर तक हम इस टास्क को तीन तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो टास्क वन पहले रन कर रहा है, फिर टास्क टू रन करेगा, तो हम इसके एक के पीछे एक लगा देते हैं, टास्क वन, देन टास्क टू, देन टास्क थ्री। तो ये जो टास्क है ये प्रोसेसर को भेजा जाएगा एक एक करके, और ये प्रोसेसर इन टास्क को एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट सेंड करेगा। ओके, तो पहले टास्क वन रन करेगा, फिर टास्क टू, एंड फिर टास्क थ्री। तो ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग में आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन इसमें एक काम के बाद ही दूसरा काम होता है। मगर आप देखोगे कि ऐसा आपके पास अगर एक प्रोसेसर वाला डिवाइस होगा, जो कि अब मिलेगा नहीं आपको, आप पुराने टाइम में होते तो एक प्रोसेसर वाला डिवाइस होता,
तो वहां पर भी आप एक साथ इसको रन कर पाते एक प्रोसेसर होने के बावजूद भी। तो ये कैसे होता है, तो आप याद कीजिए, आप डिनर टेबल पर बैठे हो, आप तीन चीज़ें कर रहे हो, आप एक बार में एक ही काम पे फोकस कर पा रहे हो लेकिन तीनों एक साथ कर पा रहे हो। तो इसी तरीके से प्रोसेसर क्या करता है कि कुछ टाइम T1 को देता है, T1 को कुछ टाइम दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 मिली सेकेंड्स, अब T1 को रोक देगा, अब T2 को टाइम देगा 1 मिली सेकेंड, अब T2 को रोक देगा और T3 को टाइम देगा 1 मिली सेकेंड्स। तो T1 पहले रन किया फिर रुक गया, फिर T2 रन किया वो रुक गया, फिर T3 रन किया वो रुक गया, फिर T1 को मिला टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों टास्क एक साथ हो पाते हैं एक ही प्रोसेसर के होने के बावजूद भी, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हमने प्रोसेसिंग किया तो ये हमारे मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है और इसमें प्रोसेसर एक यूज़ हुआ है। अब मल्टीप्रोसेसिंग का मतलब है कि आप जो यहाँ रोक रोक के काम कर रहे हो, अब आपको इसके साथ एक साथ पैरेलल में काम कर पाओ, ठीक है, यानी कि ये तीनों एक साथ रन कर पाए, किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उसके लिए आपको क्या होता है, तो अब आप जब डिवाइस लेते हो मोबाइल डिवाइस, उसमें कोर्स होता है, प्रोसेसर्स का कोर्स होता है, तो आप देखते हो 8 कोर का है। अगर आप लैपटॉप लोगे तो देखोगे कि में 4 कोर प्रोसेसर है, किसी किसी हाई एंड डिवाइस में 16 कोर्स होता है। तो ये कोर क्या होता है, कोर बेसिकली आपका इंडिविजुअल प्रोसेसर्स एक ग्रुप में अरेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेसर है P1 बोलते हैं, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। ये सारे प्रोसेसर्स जो हैं आपका एक साथ काम करता है, आपके सिस्टम को जो रिसोर्स होता है उसको आपस में बांट के काम करता है। तो ये जो है कोर्स है, इंडिविजुअल प्रोसेसर्स हो गए, वो कोर्स हो गए। तो ऐसे समझ लीजिए कि पहले जब आपके पास एक प्रोसेसर था, जो हमने एग्जांपल देखा वो एक CPU था, अब आपके पास एक साथ 4 CPU काम कर सकता है, 8 कोर में एक साथ 8 CPU काम कर सकता है। तो अभी क्या हो गया कि आपके पास टास्क थे, ठीक है, T1, T2 एंड T3 जो हमने देखा पहले, तो अभी इन तीनों टास्क को एक साथ रन करा सकते हैं। T1 को हम P1 पे भेज देंगे, T2 को P2 पे भेज देंगे और T3 को P3 पे भेज देंगे। अब ये तीनों टास्क को रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो एक साथ इन तीनों प्रोसेसर पे इंडिविजुअली रन कर सकता है और इनका आउटपुट आपको इंडिविजुअली मिल सकता है। तो ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। सो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। मल्टी टास्किंग का मतलब है कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर पा रहे हो, उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेसर होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रोसेसर के साथ भी हो सकता है। मल्टीटास्किंग सिंगल कोर के साथ भी हो सकता है, यानी कि एक प्रोसेसर के साथ भी हो सकता है और मल्टी कोर के साथ भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे प्रोसेसर होंगे आपके पास, बहुत सारे प्रोसेसर तो भी ये काम कर सकता है। तो मल्टीटास्किंग हो गए बहुत सारे काम एक साथ करना, मल्टी प्रोसेसिंग हो गई कि आप बहुत सारे टास्क को एक साथ कर पा रहे हो अलग अलग प्रोसेसर्स में, जिसमें हमेशा होगा मल्टी कोर, ओके। सो मल्टी प्रोसेसिंग आपका मल्टी टास्किंग को बहुत हेल्प करता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग अगर आपके पास है तो मल्टी टास्किंग मोर इफिशियंट हो जाएगा। तो आज हमने समझा कि मल्टी टास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। और इसको आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा कि आप एक ही, जैसे आप हो, आप एक बार में एक चीज़ पर फोकस कर पाते हो लेकिन आप 5 चीज़ें कर सकते हो, लेकिन 5 चीज़ करने के लिए आपको उनके बीच में स्विच करना पड़ेगा। पहले आपने TV देखा फिर रुक गए, फिर खाना खाया फिर रुक गए, तो ऐसे आप स्विच करके बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो विथ एबिलिटी कि आप एक बार में एक काम कर सकते हो, तो भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और अगले क्लास में हम नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।